कांग्रेस पार्टी ने सेना की बहादुरी और सरकार को समर्थन दिया था। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उस समय कांग्रेस पार्टी और इन लोगों ने कहा था कि भाई आप प्रूफ दिखाओ, सेनाओं के ऊपर में सवाल उठाते हैं और जब इसका कोई एविडेंस प्रूफ सामने आता है तो फिर कहते हैं कि तुम पब्लिसिटी कर रहे हो। सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का लज्जाजनक तरीके से राजनीतिकरण किया। कोई पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं, हम तो देश के गेन के लिए कर रहे हैं। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। दुनिया का पहला देश होगा जहां का विपक्ष अपने सेना पर ही सवाल खड़ा किया। जिसने सवाल उठाया था उसको जाके पूछिए कि अब ये आ गया है पब्लिक डोमेन में, अब आप बताइए आपको क्या कहना है। अरे वही कांग्रेस पार्टी है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब चिल्ला चिल्ला कर आर्मी को झूठी बता रहे थे और आर्मी से सबूत मांग रहे थे। भारतीय सेना ने अपने साहस, पराक्रम और बलिदान की भावना से देश को सदा गौरवान्वित किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बहादुर जवानों के शौर्य पर कांग्रेस ने कभी शक नहीं किया। क्या देश की सेना के मनोबल को तोड़ना ही कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य बचा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूपिका लियाकत। 3 बज रहे हैं। अमूमन आपको देश की दूसरी बड़ी खबरें 3 बजे के बुलेटिन में दिखती है, लेकिन आज तो एक ही बड़ी खबर है। 636 दिन के बाद जो वीडियो कल जारी किया है जी न्यूज ने, प्रूफ के तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक की जो तस्वीरें दिखाई है उसके बाद सन्नाटा है, सन्नाटा है विरोधियों के कैंप में। लेकिन 56 इंच का सीना आज पूरे देश का हो गया है। 2016 में जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आई, देश के अंदर ही कुछ लोगों और पार्टियों ने इस पर बड़े सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। सेना और सरकार से सबूत मांगे गए। हाफिज सईद और पाकिस्तान ने कहा कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। बिल्कुल उसी भाषा में आपको बता रही हूँ, उसी तरीके से बता रही हूँ जैसे हाफिज सईद चीख चीख कर कह रहा था। जी टीवी वालों, याद है ना आपको, सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है अब पता चलेगा। अब सबूत देकर सन्नाटे में होगा हाफिज सईद। भारत के कुछ नेताओं ने भी ऐसी ही भाषा बोली। ऐसे मोदी सरकार का अब पॉलिटिकल स्टंट से बताया जा रहा है। लेकिन अब 21 महीने बाद सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो ने देश विरोधी गैंग की बोलती बंद कर दी है। जो लोग इसे फर्जिकल स्ट्राइक कह रहे थे, अब सफाई दे रहे हैं कि हम सेना का बहुत सम्मान करते हैं, हम तो कभी सवाल ही नहीं उठाते हैं। हालांकि ये गैंग अब ये तर्क दे रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक से कोई फायदा नहीं हुआ है, स्ट्राइक तो हुई लेकिन उतने ही आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, घुसपैठ नहीं रुक रही है। जो भी है, ये तस्वीरें बताती है हुआ क्या था। कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ किए गए सर्जिकल स्ट्राइक तथा हमारे देश के खिलाफ आतंकी मंसूबों को विध्वंस करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए सेना की बहादुरी और सरकार को समर्थन दिया था। परंतु सत्ताधारी दल को यह याद रखना होगा कि हमारे साहसी सैनिकों के बेशकीमती बलिदान को मोदी सरकार व भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए वोट बटोरने का साधन नहीं बना सकते। आज जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है, जल्दी ही उनको भी लश्करे तैयबा या पाकिस्तान के किसी आतंकवादी संगठन का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। हमारा स्पष्ट आरोप है, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंकवादियों के हौसले को मजबूत कर रही है। और हमारा दूसरा आरोप यह है कि जो पाकिस्तान बार बार सर्जिकल स्ट्राइक को कहता है हुई नहीं, तो आज पाकिस्तान के लोग भी कहेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है तो हमारी बात ही कह रही है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं। और इस पर बहस होनी है, आज लगातार बहस होनी है, क्योंकि 636 दिनों तक जो आरोपों का दौर चला है, जिस तरीके से सेना के मनोबल को
गिराने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से लगातार सरकार पर सवाल उठाए गए हैं, आज जवाब देने का दिन है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी, रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमृत कपूर, रूथ सिंह कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना, श्रीनगर से पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट माजिद हैदरी, ये सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभय दुबे जी, आज आपके बात रखने की बारी है। कहाँ है संजय निरुपम, बात हुई फोन पर आपकी? संजय निरुपम जी भी यही हैं, रणदीप सुरजेवाला जी भी यही हैं, अभय दुबे जी भी आपके सामने हैं। सेना के शौर्य के तमगे सैनिकों के कंधों पर शोभा देते हैं। मोदी सरकार मुखोटा लगाने की कुचेष्टा ना करे। जब भी कोई बड़ी घटना पर पर्दा डालना होता है तो ऐसी ही कोई चीज मोदी सरकार करती है। हमने सवाल क्या खड़ा किया था? हमने सवाल खड़ा किया था कि जो सेना ने मोदी पर जाकर खंजर भोंकने वाली बात है, ये ऐसी ही कोई चीज नहीं है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, तो ये ठीक नहीं है। कम से कम 10 सेकंड तो दीजिए। मैं 10 नहीं, आप मुझे अपने विचार को व्यक्त करने दीजिए। इस देश ने 636 दिन दिए आपको, 10 सेकंड क्या? मैं आपको 10 और घंटे दे दूंगी। 36 दिन दिए ये मोदी सरकार ने जो सेना की को धोखा दिया है, उसके दस्तावेज हमने जारी किए हैं। उस धोखे को छुपाने के लिए ये लोग इसी काम में लगे हैं। क्या धोखा दिया है? किसने मांगा सेना सबूत? कह रही है किसने मांगा था सबूत? चाइना और पाकिस्तान सबूत का किसने मांगा था भाई जी? फुल स्विंग पर है सबूत किसने उसका मांगा? एग्रेशन, अरे हम देश को ब्रिगेडियर कपूर ने मांगा था सबूत? देश ने दायित्व सबूत किसने मांगा था? पार्लियामेंट ब्रिगेडियर कपूर ने मांगा था सबूत? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबूत किसने मांगा था? अबे दुबे जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ब्रिगेडियर कपूर ने मांगा था सबूत? किसने मांगा था सबूत? अरे सरकार से झूठा किसने बताया था सर्जिकल स्ट्राइक को? सेना का वक्तव्य नहीं था, मोदी सरकार की नेतृत्व में 380 सैनिकों की शहादत हुई, तो ये पूछने का अधिकार है मोदी जी? सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताइए, आज जवाब नहीं है आपके पास। के 50,000 सर्जिकल स्ट्राइक बताइए। इंटेंस युद्ध 10 दिन का लड़ने के लिए भी अगर आप 6,000 करोड़ नहीं दे सकते, आपके चुनाव के प्रचार में 4,500 करोड़ खर्च कर देते हैं तो पूछेगा नहीं देश? सेना के साथ इससे बड़ा धोखा आजाद भारत में आज तक किसी सरकार और सेना के साथ आप धोखा नहीं कहेंगे इसे? आप धोखा सर, मैं तो रटूंगी वो सारे बयान जो 2 साल में आपके नेताओं ने दिए। रट रट कर ताल ठोक कर आपके सामने उन सारे बयानों को रखूंगी। आपको जो सवाल पूछना है, आप यहाँ पर आरपी सिंह साहब बैठे हुए नेशनल सेक्रेटरी है बीजेपी के, उनसे पूछिएगा, पर मेरे सवाल को इधर उधर मत दर्ज कीजिएगा। मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताइए सबूत मांगकर आपने गलती की? ब्रिगेडियर कपूर, मोदी जी ब्रिगेडियर कपूर करते थे, सबूत मांगना सबसे बड़ी गलती थी भी कांग्रेस की कि नहीं थी? ये सबसे बड़ी तोहीन है कि आर्म फोर्सेस जो कि आपके देश को प्रोटेक्ट कर रहा है, आज जो आर्म फोर्सेस ने पूरी इंटेग्रेट करके रखी है, आप उनके अगर एक्शंस को भी हमारे खुद के सिटीजन्स अगर उसको डाउट करेंगे तो बहुत ही शर्मनाक बात है। दुश्मन तो करता है, वो तो बोलेगा, वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जो आर्म फोर्सेस करती है फर्स्टली वो हम ओपन डोमेन में नहीं लेके आते कभी भी। जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं हमें कुछ सीक्रेसी भी रखनी पड़ती है, लेकिन हमें मालूम है। बट आर्म फोर्सेस कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। आप हमारा कोई उसके अंदर उद्देश्य नहीं है कि झूठ बोलने का, क्योंकि हम लोग सफ़र करते हैं वहाँ जाकर। ये आसान बात नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक करना, इन्फिल्ट्रेट करना, स्ट्राइक करना, उसके बाद में एक्सफिल्ट्रेट करना। ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही सर्जिकल टाइप का ऑपरेशन ऐसे होते हैं, तो इनको ज़्यादा हवा भी नहीं दी जाती देश के हित के अंदर, क्योंकि दुश्मन जो है वो आपकी जो स्ट्रेटजी है, टैक्टिक्स है या उनकी ड्रिल्स है, अगर आप ज़्यादा इसको मीडिया में लाते हैं, ओपन लाते हैं, तो उनको इससे मदद मिलती है। ब्रिगेडियर कपूर, बहुत बहुत वाजिब आपकी बात है। राजकुमार भाटी साहब, मैं आपको इस डिबेट में ला रही हूँ, बहुत वाजिब बात है। क्या कहा गया कि जितने भी आपके इस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, जिस तरीके की भी ड्रिल्स होती हैं, स्ट्रैटेजी होती है, वो आप कभी ओपन में नहीं लाते हैं? लेकिन ओपन में क्यों लाना पड़ गया राजकुमार भाटी साहब, क्यों लाना पड़ गया? नहीं देखिए, जहाँ तक मेरी पार्टी का पक्ष है,
हम सेना की बहादुरी, सेना का शौर्य, सेना का धैर्य उसकी सराहना करते हैं और जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए सेना हमारी सीमाओं की सफलतापूर्वक रक्षा कर रही है और जब जब देश पर कोई संकट, चाहे बाहरी आक्रमण हुआ हो चाहे आंतरिक कोई संकट आया हो, सेना ने सराहनीय भूमिका निभाई है। और मैं समझता हूँ कि देश में कोई व्यक्ति होगा जो सैनिक अगर हमें सामने भी पड़ जाए तो हमारे मन में एक आदर का भाव उसके प्रति प्रकट हो जाता है, चाहे वो ड्यूटी पर भी ना हो। तो पहली बात ये। दूसरी बात, सेना के कार्यों को, सेना के ऑपरेशंस को राजनीति में घसीटना बहुत ही निंदनीय है। किसने घसीटा? और ये काम सबसे ज्यादा कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार। कैसे कर रही है? ये सेना के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहले तो इन्होंने राम को राजनीति का जरिया बनाया, राम की मर्यादा इन्होंने गिरा दी, राम का आदर कम कर दिया। राम की मर्यादा कोई नहीं गिरा। कुछ लोग राम जो बीजेपी के विरोधी हैं वो राम के विरोधी लगने लगे। आज रूपिका जी यही माहौल फिर पैदा किया जा रहा है। राम का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा को कोई, किसी की हैसियत, किसी की औकात नहीं है गिरा सकता है। कुछ चीजें पार्टी क्या, इस पार्टी की भी कोई हैसियत नहीं है। देखिए मैं बताऊं, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी गुटबाजी से ऊपर होनी चाहिए। नहीं, जब हम उन चीजों को गुटबाजी में घसीटेंगे, राजनीति में घसीटेंगे, तो एक पक्ष पक्ष में खड़ा होगा, विपक्ष में खड़ा होगा। राजकुमार भाटी साहब, जो बयान आप दे रहे हैं, ठीक है, एक बहुत सुलझे हुए नेता की तरह, पॉलिटिशियन की तरह आप आज बयान दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का ये सोचना है कि सेना के आगे कुछ भी नहीं, उनके मनोबल को गिराने के लिए कुछ नहीं। सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है उसके लिए भी हम उनकी सराहना करते हैं, वो भी बहुत सराहनीय है, बहुत बढ़िया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसके ऊपर वोट नहीं मांगना चाहिए। और ब्रिगेडियर साहब ने भी यही कहा, पार्टी से ब्रिगेडियर साहब की बात भी आपने सुनी, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे ऑपरेशन ओपन नहीं किए जाते, पब्लिक डोमेन में नहीं लाए जाते। सवाल पूछा, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, क्यों ओपन करना पड़ रहा है, किसने सबूत मांगे थे? देखिए रूपका जी, संजय निरुपम, मैं बिना कोई राजनीति करता हूँ, ईमानदारी से अपनी बात कह रहा हूँ। मैं ईमानदारी से अपनी बात कर रहा हूं। के बेटे, जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक ये हुई है, इस तरह की और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। जहां जहां आतंकवादियों के कैंप बॉर्डर के पास चल रहे हैं, हमें सब ध्वस्त कर देने चाहिए। और हम सरकार के साथ खड़े हैं। जवाब चाह रही हूं, मेरी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है इस काम में। आरपी सिंह, एक सेकेंड अभय दुबे जी रुकिए, आप मौका नहीं देते तो आज ये वीडियो सामने नहीं होते। ताल ठोक के आमी चीफ ये कहते हैं ये हमारा अंदरूनी मसला है, आमी जाने, आमी के ऑपरेशंस जाने, जिन पर ये ऑपरेशंस हो रहे हैं वो जाने, देश को हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो बार बार ये कुर्ते ऊपर कर करके, कुर्ते की स्लीव्स, खून की दलाली, ये सर्जिकल स्ट्राइक झूठी, तो मौका दिया आपने और आज वीडियो आपके सामने। आरपी सिंह साहब, मैं रूपिका, मुझे सिर्फ एक दो छोटी छोटी बातें पहले शुरू में करनी है। एक तो राम, भगवान राम की बात आई, राम मंदिर बने, इसको लेकर ऑब्जेक्शन किसने किया कोर्ट में? आप राम के नाम पर वोट ना मांगे, हमें इसमें ऑब्जेक्शन है। मंदिर आप 100 बनाए देश में, माफी दोस्तों, आप राम के नाम पर, सेना के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर वोट ना मांगे। चाहता हूं दोस्त, मैंने आप बोले, मैं नहीं बोला, मैं बोल सकता था, आपको टोक सकता था। सर प्लीज बात करने, अच्छे ढंग से बात करो, अच्छा रहेगा। अगर आपको ऊंचा बोलना है तो मैं आपसे ऊंचा बोल सकता हूँ, और सरदार हूँ, असरदार भी हूँ, इसलिए चिंता बोलने दीजिए एक बार प्लीज। ठीक है, मैं मानता हूँ, माफी चाहता हूँ दोस्त, बोलने, स्वीकार किया आपकी बात, शानदार, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। देखिए राम मंदिर क्या, राम मंदिर ना बने और 2019 तक ना बने, इसका ऑब्जेक्शन लेकर हम नहीं गए थे, कपिल सिब्बल साहब गए थे और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। दूसरी बात, सेना के प्रक्रमण पर लगातार, ये सर्जिकल स्ट्राइक अपनी जगह है, पर सेना के अधिकारियों पर, सेना के काम पर, सेना के लगातार प्रश्न उठाए जाते हैं। सेना के सेनाध्यक्ष को एक छोरा कहा जाता, सड़क छाप कहा जाता है। इनके नेता कहते हैं कि सेना घाटी में 2 आतंकवादी मारती हैं, 20 सिविलियंस मारती हैं, ये हम नहीं कह रहे। इनके नेता विपक्ष कहते हैं, गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं। मैं संजय रूपम की बात ही नहीं कर रहा, मैं केजरीवाल की बात ही नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी की बात भी नहीं कर रहा, परंतु इनकी पूरी जो पीढ़ी है, ये पूरी पूरी सेना के प्रकरणों पर प्रश्न उठाती रही है, और सेना जो प्रकरण करके लाती है उस पर कंप्रोमाइज करती रही है। मैं थोड़ा इतिहास बता दूं, 1971 सेना ने प्रकरण कर 90,000 सैनिक पाकिस्तान के घेर लिए थे, अपने पास बैठा लिए, सिलेंडर करा लिया था। उसके बाद टेबल पर जाकर हार गई हमारी कांग्रेस को, जो जवाब देना है वो आज देंगे। अभय दुबे जी बैठे हुए हैं, आरपी सिंह साहब, जो आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कभी प्रियंका चतुर्वेदी, कभी रणदीप सुरजेवाला, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास 7 दिन में बकायदा वो कमिटी है जो सबसे बयान लेने के आधार पर एक रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट में ये अब इस पर खेला जा रहा है।
संसदीय समिति जो है वो ये बता रही है कि आर्मी को बहुत सारी चीजों की जरूरत है और आपने बजट का आधा ही रखा है। मैं माफी चाहता हूँ, इनकी जानकारियां अधूरी हैं। जितना आर्मी के लिए हमारी सरकार ने किया है, वन रैंक वन पेंशन वन रैंक का मामला हमने सुलझाया, इन्होंने 70 साल तक वन रैंक वन पेंशन नहीं है सर, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। आप नहीं डिरेल मत कीजिए, मेरे सवाल टू द पॉइंट होते हैं, जवाब टू द पॉइंट, असरदार तरीके से दीजिए ना सरदार साहब। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रूपिका बहन, एक मिनट रुकिए। रेफल डील हमने किया, इन्होंने नहीं किया, ये तो प्रेशर उठा रहे हैं अभी भी उस पे कह रहे हैं कि हमें बताओ कैसे किया, उसमें क्या क्या डिटेल जानकारी दो ताकि सारी जानकारी हम पाकिस्तान को दें। इनका मन में ये है ताकि पाकिस्तान फिर उससे आगे तैयारी करे। ऐसी घटिया टिप्पणी नहीं करनी चाहिए सिंह साहब। सर ऐसी घटिया टिप्पणी देश के ठेकेदार मत बनो, देश सब का है। अरे सर ये सच है, सच को इतनी हल्की टिप्पणी मत करो। पाकिस्तान के अखबार में हेडलाइन होती है। अब मैं एक नई चीज कर रही हूं, सुनिए, हिंदू आतंकवादी हो गए, कभी आप कहते हो कि आर्मी की दोनों स्क्रीन पर रहेंगे, 30 सेकंड टाइमर दे रही हूँ आप दोनों को, 30 सेकंड आपको टाइमर दे रही हूँ। हाँ ठीक है, 30 सेकंड अभय दुबे जी। 500 पन्नों की रिपोर्ट है जिसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने वो कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ बोथ पाकिस्तान एंड चाइना इज गोइंग ऑन फुल स्विंग, इसलिए हमको पैसे की आवश्यकता है। मोदी जी ने 45,000 करोड़ रुपए आर्मी के काट दिए, 50,000 रुपए इंडियन एयरफोर्स के काट दिए, 12,000 करोड़ रुपए उन्होंने नेवी के काट दिए। वो यहां तक कह रहे हैं कि मोदी जी जो 10 दिन का प्रिक्योरमेंट हमारा होता है जिसमें इंटेंस युद्ध लड़ना होता है उसमें हमको चाहिए 9,980 करोड़, आप 6,380 करोड़ रुपए कम कर रहे हैं, सिर्फ 3,600 करोड़ रुपए दे रहे हैं। क्रिटिकल 10-1 प्रिक्योरमेंट, वो कह रहे हैं जो डीआरडीओ को पैसा देना है उसमें हमारे पास रिसर्च के लिए सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए। ओके फाइन डन, आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए और यही जवाब दीजिएगा जो सवाल पूछा गया। 30 सेकंड आपके और फिर ब्रिगेडियर अमृत बताएंगे व्हाट इज द ट्रूथ। ठीक है आरपी सिंह साहब, 30 सेकंड। हकीकत यह है कि पिछले 10 साल में इन्होंने एक नया हथियार नहीं खरीदा, हम लोगों ने इनिशिएट किए सारे काम आने के बाद, इन्होंने एक नया काम नहीं किया मॉडर्नाइजेशन के लिए आर्मी के लिए, कुछ नहीं किया इन्होंने 10 साल में। और ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जब टेबल पे आ जाएगी और जब इस पर डिस्कशन होगा सब जानकारी आ जाएगी कि 10 साल में क्या किया। एंथनी साहब बैठे रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया 10 साल में, अभी आकर सरकार ने जब काम करना शुरू किया तो उस पर प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है आपका टाइम ओवर हो गया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि क्या वाकई कटौती हुई है। बिल्कुल हुई है, अभी अभी हुई है तो फिर उस पर काम कैसे हो रहा है। ब्रिगेडियर कपूर उसमें कोई डिनाइंग द फैक्ट नहीं है कि बजट जो डिफेंस एलोकेशन है उसमें काफी रिडक्शन की गई है और वो इनको मालूम है पॉलिटिकल हायरार्की को कि किस वजह से की गई है, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्रेट असेसमेंट की होगी उसके बेसिस के ऊपर इनकी प्रायोरिटीज बनेगी। और सर ये क्या नई बात है, 2013 में भी ऐसी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी। तो नहीं वो तो देखो ऐसे है कि फौज की जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट तो कभी नहीं मीट की जा सकती, और लेकिन एट द सेम टाइम जो बेसिक मिनिमम नीड्स होती हैं जिसको हम वॉर वेस्टेज रेट्स कहते हैं और वो हमने कुछ दिनों के मेंटेन करने होते हैं, वो उसको इनको कंप्लीट करना चाहिए। तो इस पर राजनीति होनी चाहिए क्या सर? होनी चाहिए, आप डिस्कस कीजिए, आप दोनों पार्टियां ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है वो मिले बात करें, इस पर राजनीति करने में आपको शर्म आनी चाहिए सर। इंटरनल मामला है, कमियां होती है उसे पूरा करना होता है, लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रूफ मांगते हैं, आप ये कहते हैं कि सेना पर आप राजनीति कर रहे हैं। बदतमीजी क्यों करेंगे उसके उनके उनके नाम को लेकर? अमित रैना साहब पहले भी सीएजी की रिपोर्ट आई, सिविल ज्यादा मारती है। हाँ, अब ये सारी रिपोर्ट्स ना अभय दुबे जी ये पिछले 4 सालों में ही आने लगी है,
आपने तो सोने की चिड़िया बना के रखा हुआ था, आपने तो हरक्यूलस बना के रखा हुआ था पूरे की पूरी आर्मी को, नेवी को, है ना सर? उस सैनिक को बर्खास्त कर रही है, साफ दिख रहा है कौन राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आरपी सिंह साहब, मुझे आपसे भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, अमित रैना साहब, माजिद अहमद साहब, मैं ब्रेक के बाद आपसे कुछ नहीं। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है, 1971 याद कीजिए, कांग्रेस ने उस युद्ध का क्रेडिट लिया था कि नहीं लिया था? युद्ध किसने लड़ा था? सेना ने। क्रेडिट किसने लिया था? सरकार ने। और आज वही लोग ये कह रहे हैं क्रेडिट क्यों लिया जा रहा है, राजनीति क्यों की जा रही है, ये डबल स्टैंडर्ड्स पर ये ऐसी डिबेट होती है। यही सबूत है जिसे बार बार मांगा जा रहा था सरकार से, सेना से, कि बताइए भाई कहां हुई है सर्जिकल स्ट्राइक। सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है तो फर्जिकल स्ट्राइक है। और अब जी न्यूज के पास सर्जिकल स्ट्राइक की वो फुटेज आ चुकी है, 3 अलग अलग फ्रेम्स है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कम से कम 38 आतंकवादी ढेर कर दिए गए थे। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद जी न्यूज को धमकी दे रहा था, कह रहा था कि झूठ बोलते हैं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। और आज उसके कलेजे पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई होगी इन तस्वीरों को देखकर। बहरहाल खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अमित रैना स्पोक्सपर्सन है रूट्स इन कश्मीर के, वो अब तक नहीं बोल पाए हैं, और ना ही माजिद हैदरी साहब जर्नलिस्ट है श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पहले मैं आपको मौका देना चाहती हूँ। अमित, ये तस्वीरें क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि सरकार ने उन लोगों को सबूत दिया जो सबूत मांग रहे थे, या ये बताती है कि सरकार इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है सेना के जरिए? देखिए, एक भारतीय होने के नाते तो मुझे तो कभी शक नहीं था और हमें कभी शक नहीं था कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए और जिसका जो भारतीय सेना कह रही है सर्जिकल स्ट्राइक हुई है वो हुई है, हमने कभी सबूत नहीं मांगा। जो कांग्रेस आज गुणगान कर रही है भारतीय सेना की, वो सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम शायद हाफिज सईद से ज्यादा अपोज कर रहे थे कि सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। तो आज हाफिज सईद के तो सीने पर सांप लोटा ही है और शायद कांग्रेस भी चुप हो गई है और अब उन्होंने दूसरा ही ट्रैक ले लिया है। जहां तक कश्मीरी सेपरेटिस्ट की बात है, आज शायद उनके लिए भी शॉक होगा कि जो वीडियोस आए हैं आज वो उनको भी चुप कराते हैं, क्योंकि वो भी कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए हैं। और जहां तक क्रेडिट की बात है, जो पावर में सेंटर में गवर्नमेंट होगी वो अपने एक्शंस की क्रेडिट लेगी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है आर्मी की, गवर्नमेंट के अप्रूवल से हुई है, तो उसका क्रेडिट लेना तो बनता है। जैसे आपने सही कहा कि 71 की लड़ाई का क्रेडिट कांग्रेस आज तक लेती आ रही। पॉइंट है माजिद हैदरी साहब, सबके मुंह बंद हो गए, अलगाववादियों के मुंह बंद हो गए, पत्थरबाजों के मुंह बंद हो गए, आतंकवादियों के मुंह बंद हो गए, पाकिस्तान को तो आज चुप हो ही जाना पड़ेगा। पाकिस्तान सीज फायर के वायलेशन लगातार कर रहा है। 636 दिन ये वीडियो बनाने में लगे क्या ये, या कि ये 2019 के इलेक्शन का वो लेकर के एक पॉलिटिक्स लेकर के है कि क्या ये वीडियो सही है? इसमें से एक वीडियो तो अल्ट्रासाउंड लगता है, एक चूंकि सेना ने रिलीज नहीं किया, सेना ने इसको ऑथेंटिकेट नहीं किया, बनाने का क्या मतलब है? कहीं से बना के लाए? आपको हाफिज सईद आकर बोलेगा तब आप मानेंगे कि ये सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो है माजिद हैदरी? सीमा पर सिविलियन कितने मारे गए जम्मू में? 150 लोग तकरीबन मरे हैं जब से आपने की ये सो कॉल्ड सीज, ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई। मैं कहता हूँ ये झूठा वीडियो है, इसमें एक जो वीडियो है ना वो तो लगता है अल्ट्रासाउंड है पेशेंट का। कौन सी हकीकत है इसमें जब आपकी आर्मी खुद चल रही है कहने से कि हमारा वीडियो है? आर्मी क्यों नहीं तस्दीक करती इस वीडियो की? आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं दी कि आओ भाइयों आज हम इलेक्शन से पहले? अच्छा, अब आर्मी आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपको बताया कि माजिद हैदरी साहब प्लीज मान लीजिए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। यू थिंक दे रियली नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम यू? और बीजेपी वाले सेना को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गंदे मकसद। नहीं, हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें जैसे आदेश गवर्नमेंट से मिलते हैं उसके मुताबिक कार्रवाई करते हैं और अचीव करते हैं। और ये एक हुड्डा साहब का बयान हो तो जरा सुनवा दीजिए माजिद हैदरी साहब को, कान खोल के सुन लीजिए सर। जनाब,
636 दिन क्यों आपको लगे वीडियो बनाने में? नहीं तो आपके मुताबिक, आपके मुताबिक रिलीज करेंगे, आपके मुताबिक रिलीज करेंगे। ये कोई फिल्म है क्या? ये कोई फिल्म है क्या कि दिवाली पर, ईद पर बिल्कुल फिक्स टाइम है और हम रिलीज कर देंगे? व्हाट डू यू मीन बाय दिस बाजीगरी? पिक्चर बना के देते आरपी सिंह साहब, पूरा दिखता भी नहीं है आरपी सिंह साहब। इनको बोलो अपना चश्मे का नंबर ठीक रहा है, इनको अगर सर्जिकल स्ट्राइक वहां पर लगता है कि किसी का अल्ट्रासाउंड है, इनको चश्मे का नंबर बदलने की जरूरत है, लगता है इनकी आंखें खराब हो गई हैं। सैफ अली खान भी दिखाते मैंने कैसे सर्जिकल स्ट्राइक की। सर अपने चश्मे का नंबर बदलो जाकर, फालतू बकवास मत करो इस चैनल पर, समझे नहीं आप? मजाक बना दिया आपने देश का। अरे फालतू बकवास मत करो, आप देश में ही हो, अच्छे एक्टर क्यों नहीं ले? आप पाकिस्तान के बयान पे आकर यहाँ पे बात करते हो, आपके बैंक खाते में पाकिस्तान से पैसे आते, थोड़ी देर में खुलासा बोलने का जानकारी है भाई जी। कितनी शाबाशी मिलती, ये तो सेना को मिसयूज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बेशरम बीजेपी वाले। थोड़े दिन की बात है, अभी आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है जमीन पर। आपका नंबर भी दूर नहीं है, और अगर आपका नंबर भी दूर नहीं है, कश्मीर में जो होने जा रहा है आतंकवादियों के साथ जो हो रहा है, आपका नंबर दूर नहीं है। माजिद हैदरी, आरपी सिंह साहब की एक सेकंड, माजिद हैदरी किस बात, लिसन टू मी, किस बात की बौखलाहट है? सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ आपके सामने लग गया, उस बात की बौखलाहट है? आतंकवादियों का खात्मा हो गया, उस बात की बौखलाहट है? या डर पैदा कर दिया हाफिज सईद ने, उस बात की बौखलाहट है? माजिद हैदरी किस बात की बौखलाहट है? इनके तो मुंह पे कालक पोती अरुण जी, अरुण जी, अरुण शूरी जी ने। अरे अरुण शौरी की तो अपनी बौखलाहट है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, किस बात की बौखलाहट है? आप ही के डिफेंस मिनिस्टर ने तस्दीक की, ड्रामा कर रहे हैं। ओहो, तस्दीक नहीं की, डीजीएमओ हुड्डा, डीजीएमओ हुड्डा सामने रखिए, तस्दीक की, इनको तस्दीक चाहिए। लीजिए एक और आपके मुंह पर ये कड़ा तमाचा होगा सर, ये सुनिए। आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। क्या करें आप किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए आपको? तो 2016 का है, आज के वीडियो को तस्दीक करें ना, आज के तस्दीक को सेना ने क्यों नहीं बताया? हाँ, ये हमारा वीडियो है। आपने जनरल हुड्डा, अगर आप अच्छा वीडियो नहीं बना पाए तो आपने ऐसा वीडियो लाया क्यों? तभी तो मैंने आपको कहा ये जेपी दत्ता जी से बनवाना था। बनाया हुआ वीडियो है, जरा मैं भी जानना चाहती हूँ। अरे अभय दुबे जी बताइए मुझे। नहीं देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, 2008 में ये क्या बताएंगे दुबे जी, क्या बताएंगे वो सब आप बताएंगे, 2016 में सब आप बताएंगे, सब समय सन 2000 सब सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। और ये बात सेना कहे ना कहे, अगर डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा है तो हम सबको विश्वास व्यक्त करना चाहिए और दृढ़ता से हमको सेना के साथ खड़े होना चाहिए। आज सवाल ये है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो अगर सेना के साथ सचमुच मोदी जी खड़े होना चाहते हैं तो सेना को संसाधन दीजिए मोदी जी, हमारी शिकायत प्रतिपक्षी होने पाकिस्तान तब से बेलगाम घोड़ा क्यों है जब से आपने ड्रामा किया? माजिद हैदरी, एटलीस्ट हम तो सवाल उठाएंगे, बेलगाम घोड़ा देश का हर पढ़ा लिखा नागरिक सवाल उठाएगा। तुम तो पाकिस्तान के बिहार में स्वर भरने के लिए दुकान घर बनती है, वहाँ पर तुमको तो इसी बात की तनखा मिलती है। वो उससे गया, कि तुमको पाकिस्तान के बिहार पे प्रश्न उठाने यहाँ पर आता देश है, पढ़ा लिखा देश, पढ़ी लिखी बातें करता है। वो कहता है 600 दिन क्यों लगे वीडियो बनाने में, क्यों ये वीडियो 2019 से पहले आ रहा है।
बात तुम उसे चैनल हर चीज में आपको ड्रामा दिखाई देता है, हर चीज में आपको ड्रामा दिखाई देता है। अब आपको लग रहा है कि ये वीडियो बनाया गया है। अब आप ये आपका ये आपकी बौखलाहट है। यू आर स्कैर्ड टू डेथ। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम जिस चीज को नहीं हुई है मान रहे थे वो तो सच में हुई है, वो तो सच में हुई है। आप सब के सब डरे हुए हैं। मंसूरी जी नहीं मानते, मैं नहीं मानूंगा। आप मत मानिए, आप हाफिज सईद को मानिए, आप मत मानिए। आप जो है हम भी फर्जी गल, आप हाफिज सईद को मानिए, मिली मुस्लिम लीग को मानिए। आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। मैं मानूंगा, आप सनी देवल का वीडियो लाएं। नहीं, सनी देवल का नहीं, हाफिज सईद के बेटे का वीडियो आएगा ना और हाथ जोड़कर उसके सामने बैठे रहेंगे तब आपको लगेगा सच्ची असली सच्चाई तो वही आपको दिखेगी। खराब वीडियो कोई नहीं मानेगा, वीडियो खराब है। अरे 38 आतंकी मारे गए हैं, पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है और आपको लग रहा है ये पिक्चर है। और मैं ये बता दूं, ये पिक्चर नहीं है आपकी भाषा में, तो ये ट्रेलर है। माजिद एदरी साहब, सारे आकाओं को जाकर बता दीजिए, पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी बाकी है। सनी देओल भी आएगा, अजय देवगन भी आएगा, शाहरुख खान भी आएगा और एक एक करके सबको खत्म कर जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही हा 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 करते रह जाएंगे। रावण की हंसी भी ऐसी ही थी जलने से पहले, याद रखिएगा। को लाएंगे, आपने मान लिया, थोड़ी आप लोग शर्म करें। बीजेपी के साथ मिलके ड्रामा करते हैं। ओहो, ड्रामा करते हैं। और आप किसके साथ मिले हुए हैं? हाफिज सईद के साथ और कांग्रेस के साथ। आप कर रहे हैं उसके पास जाइए ना, बार-बार हाफिज सईद के प्रवक्ता हैं क्या आप? बताइए, आपका आका है पाकिस्तान और हाफिज सईद की प्रवक्ता हो गई क्या बीजेपी? अरे हाफिज सईद के प्रवक्ता नहीं, मैं एक पढ़ा लिखा नागरिक हूँ जो ये सवाल उठाता है। क्या पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं? अगर कह रहे हैं पढ़ा लिखा है तो क्या पढ़े हैं और कहाँ से पढ़े हैं? जैसे आप भाषा यूज कर रहे हैं ऐसा कोई पढ़ा लिखा आदमी इस्तेमाल नहीं करेगा। गलत है, आप अपनी पहले भाषा को इम्प्रूव कीजिए, डिस्कशन कीजिए। एक पैनल डिस्कशन है, उसके अंदर अच्छे तरीके से डिस्कशन कीजिए। नहीं तो और इसके अंदर ये मत बोलिए कि बकवास, आप ऐसी ऐसी भाषा यूज कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। यही चीज आपको सिखाई गई है जो आप पढ़ाई करके आए हैं। आर्मी में नहीं है, आर्मी में होते तो बाकी भी कोई भी पढ़ा लिखा इंसान होता है। और आप जो चीज भी इनको अभी अगर ये दे दिया कि ये कोई जाकर वहाँ पर वहाँ क्रू थोड़ा गया था जो शूटिंग कर रहा था, एक तरफ आपके वहां पर फायरिंग हो रही है, एक तरफ टेरेन की कंडीशंस हैं, एक तरफ नाइट टाइम है, उसके अंदर भी आप लोग, हमने किसी ना किसी तरह से किसी वीडियो कैमरा से इसको शूट किया है। ठीक है, तो ये आप समझते हैं कि ये कोई वैसी कोई शूटिंग की बनी हुई है, वहाँ जाके पूरा कैमरा क्रू किया है और वो जाके वहाँ पर डायरेक्शन हो रही है, वो शूटिंग हो रही है, ये वो नहीं है, ये एक्चुअल ऑपरेशंस हैं। एक्चुअल ऑपरेशंस के अंदर तो थोड़ी सी भी नजर आ जाए। अमित रैना माजिद है, मैं कह रहा माजिद है साहब, आप पढ़े लिखे नागरिक नहीं, आप पढ़े लिखे हाफिज सईद के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं आज। और जहां तक बात है सर्जिकल स्ट्राइक की, जैसे ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, देखिए मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ ना, मैं हाफिज सईद की बात कर रहा हूँ ना, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ ना, मैं मोहन भगवत जी की बात कर रहा हूँ ना, मैं नथुराम गोडसे की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सच्चाई की कि क्यों नहीं ये वीडियो आज हमारी डिफेंस मिनिस्टर साहिबा कहती है कि ये वीडियो सच्चा है और क्या वजह हुई कि 600 से ज्यादा दिन लगे वीडियो निकालने में। हम तो पूछेंगे, तब तो कहा रात को सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो गवर्नमेंट के ऊपर है, जब भी वो निकालना चाहती है आप उसको क्यों उसको डिमांड थोड़ा कर सकते हो? देश को पता चले क्या सच्चा है? नहीं, आपको लगता है रक्षा मंत्री आपके सवालों का जवाब देने यहाँ पर बैठी है? नहीं, अगर ये डिबेट है तो आप मेरे सवाल के जवाब क्यों नहीं देंगे? और आर्मी के पास इतना टाइम है, 636 दिन टाइम है कि आपको आकर ये बताए कि भाई साहब ये जो है अजय देवगन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे योद्धा है जो आतंकियों को खत्म कर रहे हैं। और आपको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप तो बेगानी शादी नहीं है, मेरे देश का मामला है, बीजेपी वाले मेरे देश का मामला है, बेगानी शादी नहीं है। चुप करके बैठे हैं, निर्मला सीतारामन साहिबा बात नहीं कर रही, आप लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी
भाई साहब खाना खाने आपको बुलाया है। आप लोग आज एक्सपोज हो गए इस डिबेट के थ्रू देश के सामने। कितना झूठ बोलते हैं आप लोग। हाँ 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 सच कौन बोलता है? सच कौन बोलता है? सच कौन बोलता है? कौन बोलता है सच? हाफिज सईद तो मैं बोल रहा हूँ कि 200 से 2000 से ज्यादा गिलानी सच तो ये है। शब्बीर शाह कौन बोलता है सच? सौ से ज्यादा सेनानी और सिविलियन मरे वो हकीकत है, वो सच है। पाकिस्तान बेलगाम बन गया तब से वो सच है। ये तो तीन सच आपके मुंह पे था। तो बस क्या हुआ तब से? कौन सा फर्क पड़ा पाकिस्तान को? उसके बावजूद आप प्रवक्ता किसके बन रहे हैं? हमलों पे फर्क पड़ा। उसके बावजूद आप प्रवक्ता किसके बन रहे हैं? किसके प्रवक्ता बन रहे हैं? ये सारी सच्चाई पता होने के बावजूद जो देश की सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को एक वीडियो बनाए डॉक्टर, वो किसका प्रवक्ता है पूरे देश को दिखाई दे रहा है? मैं प्रवक्ता राहुल गांधी का हूं। माजिद हैदरी, यू शुड नाउ रियली शट अप। आई एम टेलिंग यू, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं और उसके बाद मैं आपसे कहूंगी कि ब्रेक ले लीजिए इन सारे झूठ से जिसके इर्द गिर्द आप घूमे चले जा रहे हैं। अभी भी आपको सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए। तो दुनिया ने शौर्य माना, विपक्ष ने लेकिन सवाल किए और ऐसे सवाल किए कि आज अलगाववादियों का समर्थन करने वाले, ये जो मेरे बिल्कुल साइड में ये तस्वीर आपको चल रही है ना, जैसा आरपी सिंह कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड नजर आ रहा है, इसमें उनको अजय देवगन और सनी देओल नजर आ रहा है। अबे दुबे जी थैंक यू, ये आपकी वजह से, आपके नेताओं के सवालों की वजह से, शक की वजह से आज इतना बोल पा रहे हैं, इतना बोल पा रहे हैं कि हमें झूठा लग रहा है वीडियो। ये आपकी देन है, आपको सच में आज सर झुका लेना चाहिए। हाँ, मेरा मैं तो सर सेना के सामने, देश के सामने झुका हुआ ही रहता है। तभी तो आप आर्मी याद आता है अक्टूबर 12 अक्टूबर 2016 तो अब मुझे बोलने ने दीजिए, फिर आप आपके समय में बोलिएगा प्लीज। देखिए बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रूबिका जी, उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोह के समान है ये वीडियो को जारी करना, ये नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। ये कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद बीजेपी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये करो तो उसके बाद आप दो कदम और आगे जाते हैं, दो कदम पर पहुंचो तो चार कदम आगे जाते हैं। पहले कहा वीडियो लाओ, पहले कहा सबूत दिखाओ, अब सबूत दिखा रहे तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत भयंकर आपने नाइंसाफी कर दी, ये तो बहुत भयंकर पाप कर दिया, सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो गया। आप चाहते क्या अभय दुबे जी, चाहते क्या है आप? किस लेवल तक जाएंगे? आपका फुल स्टॉप कहाँ है राजनीति में, ये मुझे बता दीजिए। बीजेपी ने पत्रकार वार्ता ली कि इसको जारी करना राष्ट्रद्रोह होगा, तो आज ये बताएं कि क्या निर्मला सीतारमण जी ने जो जारी, आरपी सिंह साहब सेना ने ये, आरपी सिंह साहब राष्ट्रद्रोह, आरपी सिंह साहब ये बताइए, आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। मैं माफी माफी शर्मिंदगी सवाल सवालों के घेरे में मैं सब पूछ लूंगी। अभय दुबे जी रुक जाइए। आरपी सिंह साहब क्या ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आपने कहा था ऐसी वीडियो दिखा देना राष्ट्रद्रोह के समान है? बताइए सिंह साहब, अभय दुबे जी आप पर आरोप लगा रहे हैं। मैं वो ये जवाब अभय दुबे जी देना, उनको लगता है ये राष्ट्रद्रोह है, सेना का प्रकरण राष्ट्रद्रोह है, उनको तो माजिद हैदरी और बाबर कादरी जैसे लोग शूट करते हैं, जो कहते हैं हमें राहुल गांधी जैसे लोग शूट करते हैं उनको पाकिस्तान के। ये 12 अक्टूबर 2016 Why disclose surgical strike proof? It's against national interest, BJP. आप तो झूठे हैं, आप तो एक्सपोज झूठे हैं। सब झूठे हैं माजिद हैदरी साहब, आप इकलौते सच्चे हैं। हरीश चंद्र तो सीधा आकर अपनी आत्मा का वास आपके शरीर में कर गए हैं और फिर आपको घोषित कर दिया हाफिज सईद का स्पोक्स पर्सन। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, 4 बजे इस डिबेट को हम जारी रखेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा बता दीजिएगा अभय दुबे जी, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ तो आप ही मांग रहे थे, आपके दोस्त संजय निरुपम ही मांग रहे थे। आज बड़ा नतमस्तक हो रहे हैं सेना के सामने, जो करते हैं फिर उसका भरपाई करनी पड़ती है और आज वो दिन है, आज भरपाई करनी पड़ेगी, माफी मांग कर करनी पड़ेगी।